ये वीडियो हमारी छोटी सी कोशिश है कैंसर के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए। जानकारी से ही हम इस पर विजय पा सकेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मीनू वालिया, कैंसर स्पेशलिस्ट वर्किंग विद मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली। हम जेनेटिकली किसी बीमारियों के लिए वनरेबल होते हैं या फिर हम जेनेटिकली कुछ पर्टिकुलर बीमारियों के अगेंस्ट स्ट्रांग होते हैं। अगर हमारे पास जेनेटिकली अगर किसी बीमारी की टेंडेंसी होने का चांसेस है, मतलब हम उनके लिए वनरेबल हैं, तो छोटे से भी डैमेज में हमें कैंसर होने का चांस ज़्यादा है। हो सकता है ये वही मरीज है जो शायद स्मोकिंग नहीं भी करते, बट इनको सेकेंड हैंड स्मोक या पैसिव स्मोकिंग, हवा के प्रदूषण ही इनको डैमेज कर पा रहा है। और कुछ ऐसे मरीज हैं जो जिनका जेनेटिक मेकअप शायद काफ़ी स्ट्रांग है और वो स्मोक भी कर रहे हैं, तो अभी शायद जेनेटिक डैमेज इतना नहीं हुआ कि कैंसर होए। पर उसका ये मतलब नहीं है कि अगर हमें अभी तक कैंसर नहीं हुआ तो हमें आगे कैंसर नहीं हो सकता। हमें ये जानना चाहिए कि कैंसर का कारण हमारे जीन्स में भी छुपा है और हमारे लाइफस्टाइल में ही छुपा है। यही कारण है कि हमें ज़रूरत है एक हेल्दी लाइफस्टाइल की भी, ताकि हम इन रिस्क को जितना कम कर सकें उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। So the answer to all this lies in your genes. The answer is actually in the genes. How vulnerable you are to a particular disease lies in our disease. Plus, our lifestyle is also important. So what do you do by doing these genomic studies or by getting this genetic test? We can actually know our risk assessment for cancer. अगर हमारे में कैंसर होने का रिस्क है तो हम अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और रिस्क को और भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। सो इन टुडे स्टेट सो मच इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, व्हाई नॉट टेक हेल्प ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन, टेक हेल्प ऑफ द न्यू टेस्ट विच आर अवेलेबल। एंड माई अर्ज टू एवरीबडी इज टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, टेक चार्ज, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, चर्चा जारी रखेंगे अगली बार। एंटिल देन, गुड बाय।